हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमाचल रेड राइस चैनल पर स्वागत है। मैं अजय श्रीवास्तव आज आपके सम्मुख एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ धान के बग पर, जिसे हम गंदी बग बोलते हैं। धान की फसल जब खेतों में होती है और उसमें दाने पड़ रहे होते हैं, उस वक्त इसका प्रकोप अधिक होता है। यह प्रायः इसके प्रौढ़ और इसके जो शिशु हैं, दोनों खेतों में आते हैं और बन रहे दानों का सैप, बन रहे दानों का जो दूध पी लेते हैं, और उसकी वजह से दाने सिकुड़ जाते हैं और पैदावार में निरंतर कमी आती है। उसमें छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ फंगस अटैक भी होता है। उस वक्त जो नरम पत्ते होते हैं या तने होते हैं, उनका भी ये रस चूसते हैं। तो क्यों ना हम पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में आपसे दोबारा मैं व्याख्या दूंगा। धान का बग, जिसे हम गंदी बग भी कहते हैं, जब फसल पकने को तैयार होती है तो इसका प्रकोप देखा गया है। बनते हुए दानों का दूध चूस लेती है और दानों में धब्बे, काले धब्बे बन जाते हैं। नए पत्तों का और तनों का भी रस चूसती है। पैदावार में भारी कमी आने की आशंका बनी रहती है। इसका साइंटिफिक नेम लेप्टोकार्सा एक्यूटा है। बहुत भयानक कीट है, कई बार बहुत नुकसान करता है। खेतों में प्रायः फ्लावरिंग के वक्त देखा गया है। इसे बचने के लिए इसके प्रौढ़ और शिशुओं को इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। इस वीडियो को देखा और धान के बग, जो गंदी बग की पहचान कर ली होगी, इसके प्रौढ़ और इसके शिशु दोनों ही प्रकोप करते हैं, दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें खेतों में जाकर जो खरपतवार हैं, घास हैं, उनका नष्ट करना चाहिए, उन्हें उखाड़ देना चाहिए, खेतों की साफ सफाई रखनी चाहिए। और खेतों में जाकर जो प्रौढ़ हैं या शिशु हैं जो इस कीट के, उनके इकट्ठा करके उन्हें आप नष्ट कर दें। जरूरत पड़ने पर आप केमिकल स्प्रे, कार्बेरिल या क्लोरोपाइरीफॉस का जो आप स्प्रे कर सकते हैं, फिर आप ध्यान रखें, फिर भी आप ध्यान रखें, सीआईबी से रेकमेंडेड केमिकल का ही प्रयोग करें। अगर आप अपने खेतों में धान के खेतों में साफ सफाई रखते हैं और वहाँ प्रौढ़ और इसके जो जो शिशु हैं, इनको इकट्ठे करके नष्ट कर देते हैं, तो आपको केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत कम पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।